हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, अमेज़ॉन का अभी तक सेल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैंने कुछ लैपटॉप्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं जो कि 60 to 70,000 के बीच में रहने वाले हैं और RTX 3050 के साथ में रहने वाले हैं। मैंने स्पेशली एनवीडिया का RTX 3050 वाले लैपटॉप्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। ऑल्सो एक बोनस PC भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने अमेज़ॉन पे MSI का ये लैपटॉप जो है उसको ओपन किया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के टाइम में जो है वो अगर आप बजट में मतलब अंडर 70,000 कोई भी लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, तो मेरा ये ओपिनियन आपको रहेगा कि आप एटलीस्ट 3050 जो है वो ले लेना। और अगर 70,000 के ऊपर अगर आप कोई भी लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका नीड ऐसा है कि आपको ट्रैवल करते करते ही गेमिंग लैपटॉप का यूज़ करना है, तो ये आप लैपटॉप ले लो। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, एक ही जगह पे यूज़ करने वाले हो, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एक PC बिल्ड कर लो। हालांकि वहाँ पे एक प्रॉब्लम वो होता है कि आप PC 80-90 या 1 लाख तक बिल्ड कर लोगे अच्छा खासा, पर उसके बाद में आपको कीबोर्ड माउस और मॉनिटर अलग से लेना पड़ता है, पर उसमें आपका परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू लैपटॉप काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इसकी वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप 70,000 एंड प्लस लैपटॉप लेने की सोच रहे हो और आपको मूव यहाँ वहाँ नहीं करना है, एक ही जगह को गेमिंग या फिर हैवी टास्क करने हैं, तो आप PC बिल्ड कर लेना। तो इसलिए मैं अंडर 70,000 जो लैपटॉप्स है वो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, और स्पेशली मैंने 3050 लिया हुआ है। आज के टाइम में ये मेरे को अच्छा लग रहा है। अगर आप 1650 से कार्ड्स अगर लेना चाहते हो, तो आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हो, पर वो GTX कार्ड है। यहाँ पे आपको RTX कार्ड मिलना है, जिसके अंदर आपको जो RTX वॉइस या फिर जो NVIDIA ब्रॉडकास्ट है उसका सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो वो एक एडेड एडवांटेज आपके लिए हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट जो लैपटॉप आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है ये GF63 लैपटॉप है, और इसके अंदर आपको 11th जनरेशन i5-11400H मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से। और यहाँ पे आपको 8GB रैम, 512GB का NVMe SSD ड्राइव मिल जाती है। हालांकि आप इसमें बाद में इंटरनल स्टोरेज जो है वो अपग्रेड कर सकते हो, पर फिलहाल के लिए आप 512GB के साथ में भी इसको एंजॉय कर सकते हो, और SSD होने की वजह से काफ़ी अच्छा स्पीड आपको इसमें मिलने वाला है। इनफैक्ट बूट स्पीड या फिर आप इसमें गेमिंग या वीडियो एडिटिंग भी करोगे तो भी आपको अच्छा खासा स्पीड मिलने वाला है। इसमें अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें, तो मैं जो भी यहाँ पे लैपटॉप्स आपको बताने वाला हूँ, उन सब में आपको NVIDIA का RTX 3050 मिलने वाला है, तो मैं बार बार उसके बारे में नहीं बताने वाला। अगर प्राइस की बात करें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग लोवेस्ट टू हाईएस्ट तक जाएंगे, मतलब 60,000 से हम लोग जाएंगे 70,000 तक, तो ये आपको 56,990 का मिल रहा है। अगर इसकी प्रीवियस प्राइस के बारे में बात करें, तो आपको 61,989 का प्राइस पहले मिलता था, या फिर 67,000 तक भी ये गया था, पर अभी आपको ये अंडर 60,000 मिल रहा है, मतलब 6,990 का मिल रहा है। तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो गेमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए भी अगर आपको चाहिए, तो एक बेस्ट ऑप्शन है, आप बाय कर सकते हो। हालांकि आपको इससे सस्ते प्राइस में या इससे इक्विवेलेंट और भी आपको मॉडल्स फ्लिपकार्ट के मिल जाएंगे, पर मेरा फ्लिपकार्ट के साथ में इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, इसकी वजह से मैं फ्लिपकार्ट के कोई भी लैपटॉप आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, या फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज़ बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली उन लोगों ने चेंज किए हुए हैं। अगर आपको जानना है उसके बारे में, तो ज्ञान थेरेपी करके एक चैनल है, उन्होंने ये फ्लिपकार्ट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप ये ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं वीडियो। हालांकि मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे को इनके वीडियोस अच्छे लगते हैं, और इन्होंने अच्छी तरह के एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्लिपकार्ट का क्या सीन हुआ है, तो आप ज़रूर वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट लैपटॉप। नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डेल की तरफ से आता है, डेल न्यू G15 i5-11 या 5511 बोलो। ये i5-11200H के साथ में आता है, 8GB 512GB SSD के साथ में आता है, और ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो बाय करने के लिए। अभी आपको 64,990 का मिल रहा है। अगर इसकी पुरानी प्राइस की बात करें, तो ये बीच में 62 का भी गया है, 62,990 का, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इसके ऊपर ही है, देख सकते हो आप 64,990 वगैरह है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। ये 67,000 तक का भी गया है, तो अभी आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो बाय करने के लिए। नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आसूस की तरफ से आता है, आसूस टफ गेमिंग A15। ये लैपटॉप का मॉडल है, और इसमें आपको AMD का Ryzen 7 4800H मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। 8GB रैम, 512GB SSD स्टोरेज मिल जाता है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। 67,890 रुपीज़ का मिलता है, और जनरली इसका 76,990 का प्राइस रहता है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस है, और स्टोरेज भी बाद में आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो। पर 512
M2 इनिशियली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा स्पीड भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो ये भी MSI की तरफ से आता है, MSI Cortana GF66। ये इंटेल के लेटेस्ट जनरेशन, अभी 13 जनरेशन लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसके पहले वाला जनरेशन 12 जनरेशन है, तो ये 12 450H के साथ में आता है, तो ये भी कंसिडर कर सकते हो आप बाय करने के लिए। 69,990 का आता है, ये मोस्ट रेयर केसेस में आप जो है इसको लेना, क्योंकि अगर आप 70,000 जैसे मैंने आपको बताया इतना आप स्पेंड कर रहे हो, तो और 10,000 डाल के अच्छा खासा PC बिल्ड जो है आप कर सकते हो, तो उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसका रेगुलर प्राइस की बात करें तो ये 74,990 का आता है, पर अभी आपको 69,990 का आता है, मतलब अंडर 70,000 आपको मिल रहा है, तो ये भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सब में आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है वो 144Hz का रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देख सकते हो आप MSI Cortana 144Hz रिफ्रेश रेट, यहाँ पे भी 144 है Asus का टफ गेमिंग में, और सिर्फ डेल में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 120Hz का मिल रहा है, तो इसमें 120Hz से बाकी सब में आपको 144Hz मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको 60Hz मिल रहा है, पर आप इनिशियली गेमिंग कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से ये अच्छा चीज़ है। अभी आपको जैसे मैंने बताया कि एक बोनस PC के बारे में बात करेंगे, तो ये बोनस PC है, तो आप लिनोवा का ये आइडिया सेंटर गेमिंग 5 जो है वो भी ले सकते हो। तो आप मेरे को बोलोगे कि ये लैपटॉप लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, तो जैसे इंट्रो में मैंने बात किया, अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपको मूव करना है, मूव करते करते आपको गेमिंग लैपटॉप को यूज़ करना है, तो लैपटॉप की तरफ जाना, अगर मूव नहीं कर रहे हो तो आप ये PC को भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपको 3050 से अच्छा ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, RTX 3060 मिल रहा है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आपको रैम भी ज़्यादा है, 16GB का रैम है, तो इसकी वजह से आपको मल्टीटास्किंग में अच्छा चीज़ होगा। ऑल्सो ये PC है, तो यहाँ पे बाद में आपको हार्ड डिस्क लगाने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे हार्ड डिस्क या फिर SSDs भी लगा सकते हो 1TB का, जैसे आपके बजट के हिसाब से। ऑल्सो ये जो प्रोसेसर है ये भी काफ़ी अच्छा है, और ट्राइड एंड टेस्टेड है, APU है, पर फिर भी अच्छा है, राइजन 5 5600G के साथ में आता है, थोड़ा सा ओल्ड है बोल सकते हो आप, पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा। मेन तो आपको RTX 3060 मिल रहा है 12GB वाला, वो एक अच्छा चीज़ आपको मिलने वाला, और वो भी अंडर 70,000। आप ये लैपटॉप से अच्छा आप इसको कंसिडर कर सकते हो, पर आपका रिक्वायरमेंट वैसा है एक ही जगह पे बैठ के आप यूज़ करने वाले तो ही यूज़ करना, नहीं तो आप लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। और इससे ऊपर अगर आपको कुछ भी लेना है ये प्राइस के ऊपर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप PC बिल्ड कर लेना। इसका मैं बता देता हूँ, 97,000 के आसपास देखो इसका प्राइस था, पर अभी आपको ये 69,990 का मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको ये मिल रहा है, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी इन सारे जो भी मैंने यहाँ पे लैपटॉप्स और ये PC के बारे में डिस्कस किया, इनके बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोशिश करना कि वो लिंक से ही शॉप करने के लिए, ताकि चैनल को भी फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगा। बाकी और भी ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए अभी तक अपने चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, जो भी टेक रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है उनके साथ में लाइक कर देना, 100 लाइक्स का एम है हर वीडियो को, तो उसको भी कंप्लीट करवा देना। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।